नमस्कार दोस्तों, हमारे क्वालिटी लाइफ में जो रोगी आते हैं उसमें से 70% जो रोगी आते हैं वो विबंध यानी कब्जी से ग्रसित रोगी आते हैं। तो दोस्तों, आने के बाद जब हम उनसे हिस्ट्री पूछते हैं तो वो बताते हैं कि मैं पेट सफा है, कोई बताता कि मैं पंचकार चूर्ण ले रहा हूँ। तो कंपनियाँ जो अनेक तरह के जो है चूर्ण बना के बाजार में बेच रही है और वो लेते हैं और लेते लेते धीरे धीरे जो है उनमें वो चूर्ण अब्जर्व हो जाता है और फिर जो है वो चूर्ण काम करना बंद कर देता है। उसके बाद में फिर वो मात्रा बढ़ाते हैं और उसके बाद में भी जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो उसके बाद में जो है पेशेंट फिर हमारे पास में आते हैं और फिर कहते हैं कि जो है हम पंचकार चूर्ण ले रहे हैं या अन्य कोई पेट सफा ले रहे हैं, उससे जो है मात्रा दो दो चम्मच लेने के बाद में भी जो हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है। तो उसके बाद में उसका मेन जो कारण है उसमें एक पंचकार चूर्ण जो होता है या पेट सफा, उसमें सना की पत्ती जो है वो होती है, वो मल भाग में से जो पानी जो होता है उसको वो निकालती है, मल भाग जो अंदर हाथों में चिपका रहता है। तो ऐसे रोगी जो है उनको हम जो है नियमित रूप से जो है उनको प्रेस लगे, नियमित रूप से उनकी दिनचर्या सही रहे, इसके लिए जो हम उनको लगभग 1.5 से 2 माह तक जो है एक कोर्स हम उनको देते हैं। तो वो कोर्स मैं आज आपको बताना चाहता हूँ ताकि यदि आप भी इस रोग से ग्रसित हो तो आप इसका पूर्णतः लाभ उठा सकते हो, ताकि आपका जो है इमोशन जो है नियमित रूप से क्लियर हो जाए। दोस्तों, एक विबंध एक कब्जी जो है एक ऐसा रोग है जिससे कई लोग परेशान हैं, लेकिन वो सही जगह पता नहीं होने के कारण जो है कई तरह के चूर्ण लेते हैं। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो है नियमित रूप से आपका पेट साफ हो इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जो है एक छोटी हड्डी आती है जो त्रिपला में पड़ती है, वो नहीं है, छोटी हड्डी जिसको हम जवाड़ी बोलते हैं और आयुर्वेद के ग्रंथों में से माँ पार्वती का रूप भी कहा गया है। जितना हम इसको लेते हैं उतना ही हमें जो है हमारी आयु बढ़ती है और गुणकारी होता है। तो जवाहर आपको जो है किसी पंसारी के पास मिल जाएगी या किसी अतार के पास आप इसे मंगवा सकते हो। तो ये मंगवा के आपको जो है पिसवा के रखवानी है और एक माह के लिए ही रखवानी है, फिर हर माह में आपको जो है इसको पिसवाते रहना है। इसके बाद में आपको इसका नियमित रूप से रात को 1-1 चम्मच इसका सेवन करना है, तो आपको जो है मोशन आने लग जाएगा। दूसरा है कि इससे यदि आपको मोशन नहीं आ रहा तो उसके बाद में आपको क्या करना है। तो उसके बाद में आपको जो है पंचकार चूर्ण जो है उसमें अश्वकुंज के नाम की एक टेबलेट आती है, तो वो टेबलेट आपको एक डाल मिला के उसको आपको पंचकार चूर्ण जो है एक ही बार लेना है। ये आपको ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू ले रहे हो, नहीं लेना, एक ही बार लेने के बोल रहा हूँ ताकि एक बार आपको मोशन क्लियर हो जाए। ये जो है आपको जिनको ज़्यादा कब्जी हो उनको यह प्रयोग करना है। उसके बाद में जब आपका मोशन अच्छी तरह से हो जाएगा, ज़्यादा मोशन लग जाए आपको, तो आपको जो है ठंडे पानी से घुटने तक जो है पैरों को धोना है ठंडे पानी से, ताकि वो मोशन रुक जाए सुबह। उसके बाद दूसरे दिन आपको क्या करना है कि एरंड का तेल लेना है। अब एरंड के तेल लेने की विधि मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पाव भर दूध जो है लेना है गाय का, उसको गर्म करना है हल्दी डालकर। उसके बाद में आपको थोड़ा सा दूध अलग लेकर उसमें आपको आधी सीसी यानी 50 ml की डाबर कंपनी की डबल फिल्टर वाली वो लेनी है और आधी सीसी उसमें डाल के फिर आपको जो है थोड़ा सा दूध में डाल के फिर लेना है, फिर बचा हुआ दूध ऊपर से लेना है, ताकि फर्स्ट बार जो हमने पंचकार दिया था असंगोचक मिला के उससे जो हाथों में सूजन आई है या जो क्रोच आई है, तो दूसरे दिन एरंड के तेल लेने से जो है उसमें लुब्रिकेशन आ जाता है, आते वापस नियमित हो जाती है। उसके बाद में फिर तीसरे दिन से जो है आपको हरित की चूर्ण जो है वो आपको कंटिन्यू लेना है, लगभग 2 महीने तक तो आपको लेनी है। और दो मैं असव आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपको 2 असव लगा रहा हूँ, वो भी आपको जो है कैसे प्रयोग करना है उसके बाद बता देता हूँ। असव जो है आपको एक तो लेना है कुमारसव, जो ये आप देख सकते हो, ये कुमारसव है। असव जितने पुराने होंगे भी मेरे पास जो है आप देख सकते हो कि जुलाई 2007 का रखा हुआ है, कि असव जितने पुराने होते हैं असव और अरिष्ट वो उतने ही गुणकारी होते हैं और सौम्य होते हैं। तो आपको इतना पुराना नहीं मिलेगा, आप तो जो है 2-3 साल पुराना ले सकते हो, मिल जाएगा आपको। तो आपको जो है कुमारी असव लेना है
और एक लेना आपको पुनर्वनर स्टैंड, दोनों तो 4 टुकड़े इसके हिला के और 4 टुकड़े उसके भी आपको बोतल को अच्छी तरह से मिक्स करके हिला के फिर उसको 4 4 8 टुकड़े लेके उतना ही पानी मिला के आपको खाना खाने के 20 मिनट बाद में सुबह भी लेना और शाम को भी लेना। और रात्रि को जो नियमित रूप से आपको ये हल्दी की चूर्ण जो हम जवाड़ जो पिसवा के हमने रखा है वो रात्रि को आपको एक एक चम्मच लेते रहना है। तो दोस्तों यदि आप ये 2 माह करते हो तो आप देखोगे कि आपका जो है मौसम नियमित हो गया है और आप जो है बिल्कुल स्वस्थ और ताजगी महसूस करने लग जाओगे। जय हिंद जय भारत।